हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हुज डायनेस्टी वॉज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ऑफ द नॉन खत्रिय डायनेस्टीज। तो ऐसी कौन सी डायनेस्टी है जो पहला खत्रिय डायनेस्टी है, जो हमारा चार भाग है, चार 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 भाग है, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उनमें से जो क्षत्रिय डायनेस्टी, पहला क्षत्रिय डायनेस्टी का किसको कहते हैं, वो है नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी को पहला क्षत्रिय डायनेस्टी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हु इज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, नंद डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, वो है महापद्मानंदा। महापद्मानंदा है नंदा डायनेस्टी का फाउंडर। ठीक है फ्रेंड, नंदा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, महापद्मानंदा। अगला क्वेश्चन, हु इज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन है, मतलब लास्ट जो पहला है महापद्मानंदा और आखिरी है धनानंदा। धनानंदा है आखिरी, आखिरी रूलर कौन है, धनानंदा। पहला है महापद्मानंदा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ शिशुनागा डायनेस्टी। शिशुनागा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, शिशुनागा डायनेस्टी के, तो शिशुनागा खुद है शिशुनागा डायनेस्टी के फाउंडर। ठीक है फ्रेंड्स, तो शिशुनागा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, शिशुनागा खुद है शिशुनागा डायनेस्टी के फाउंडर। अगला अटैक्ड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ धनानंदा। तो किसने किसने अटैक किया है धनानंद के शासनकाल में, किसने अटैक किया था इंडिया को, तो वो था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर अटैक किया था धनानंद के शासनकाल में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द फादर नेम ऑफ अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर का पिता का नाम क्या है, अलेक्जेंडर का पिता का नाम क्या है, फिलिप। तो फिलिप है अलेक्जेंडर का पिता का नाम, और फिलिप किसका राजा है, किस देश का, मैसिडोनिया का। ठीक है फिर, मैसिडोनिया किंग है फिलिप। व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो जो मौर्यन एम्पायर है, मौर्यन एम्पायर, तो उसका टाइम पीरियड कौन सा है, उसका टाइम पीरियड है 3 to 5 BC टू 183 BC। तो 325 BC टू 183 BC है मौर्य एम्पायर का पीरियड। ठीक है फ्रेंड्स, व्हाट वाज द फाउंडर फादर ऑफ मौर्य एम्पायर। तो किसको फाउंडर फादर फाउंडर भी कहा जाता है, फादर भी कहा जाता है मौर्य एम्पायर के। मौर्य एम्पायर के फाउंडर फादर किसको कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्यन एम्पायर के फाउंडर और फादर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रो धनानंदा विद द हेल्प ऑफ होम। जो चंद्रगुप्त मौर्य है, वो धनानंदा का ओवरथ्रो मतलब डिफीट किया था, पराजित किया था, किसके हेल्प द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य धनानंदा को पराजित किया था, वो है कौटिल्ला। कौटिल्ला के द्वारा धनानंदा को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, कौटिल्ला वाज नोन एज हुइच नेम। तो कौटिल्ला, जो कौटिल्ला है वो किस नाम से जाना जाता है, वो है चाणक्य। चाणक्य नाम से कौटिल्ला जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, द डिस्क्रिप्शन ऑफ मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिस्क्राइब्ड इन हुई बुक। तो जो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस बुक में डिस्क्राइब किया है, वो है इंडिका। इंडिका बुक में मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, बोला गया है। ठीक है फ्रेंड, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य जो शासन होता है शासनकाल, उसके बारे में डिस्क्राइब किया है इंडिका में। ठीक है फ्रेंड्स, हु रोट इंडिका। तो इंडिका किसने लिखा था,
इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज, मेगास्थनीज ने इंडिया को लिखा था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगास्थनीज ने इंडिया को, इंडिका को लिखा था। इंडिका जो बुक है जिनमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोला गया है वो मेगास्थनीज ने लिखा था। व्हेयर वाज चंद्रगुप्त मौर्य डाइड? तो चंद्रगुप्त मौर्य डाइड उनका कहाँ पर हुए थे? चंद्रगुप्त मौर्य डाय गुजर गए थे कहाँ पर? तो वो था सावनावेलागोला एट चंदागिरी हिल। चंदागिरी हिल पर चंद्रगुप्त मौर्य गुजर गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, हु वाज द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? तो चंदगुप्त मौर्य का सन और सक्सेसर, सक्सेसर मतलब उनको पहले भी उन्हें सक्सेस किया है, तो सन एंड सक्सेसर किसका आया था? चंद्रगुप्त मौर्य का बिंदुसार, बिंदुसार को चंद्रगुप्त मौर्य का सन एंड सक्सेसर कहा जाता है। वाज कॉल्ड अमृत घाटा बाय ग्रीक राइटर्स? तो अमृत घाटा किसको कहा जाता है? अमृत घाटा, अमित्र घाटा, अमित्र घाटा किसको कहा जाता है ग्रीक राइटर के द्वारा? वो है बिंदुसारा, चंद्रगुप्त मौर्य का सन बिंदुसारा को कहा जाता है अमित्र घाटा। ठीक है फ्रेंड्स, हु इज सेड टू हैव कॉन्क्योर्ड द लैंड बिटवीन टू द टू सीज? तो किसने बोला था द लैंड बिटवीन द टू सीज? किसने बोला था? बिंदुसारा ने, बिंदुसारा ने बोला था द लैंड बिटवीन द टू सीज। नेम द टू सीज डिस्क्राइब्ड बाय बिंदुसारा। तो जो द लैंड बिटवीन द टू सीज बोला गया था बिंदुसारा ने, तो वो द टू सीज का नाम क्या है? वो है अरबियन सी, अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, दोनों है अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो लैंड बिटवीन द टू सीज जो है, तो वो दोनों दोनों जो सी है उसका नाम है अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। हु वाज द सन एंड सक्सेसर ऑफ बिंदुसारा? बिंदुसारा का सन एंड सक्सेसर किसको कहा जाता है? वो है अशोका, अशोका को बिंदुसारा का सन एंड सक्सेसर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोलिंगो वार वॉज फॉट बाई होम? कोलिंगो वार किसने किए थे? कोलिंगो वार किसने किए थे? अशोका ने, 261 बीसी में अशोका ने कोलिंगो वार किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलिंगो वार किसने किए थे? अशोका ने, अशोका कौन है? बिंदुसार का सन एंड सन सक्सेसर, बिंदुसार का सन है अशोक, उन्होंने कोलिंग वॉर किए थे 261 बीसी में। हाउ मेनी इंस्क्रिप्शन फाउंड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका? तो अशोका के शासनकाल में कितने इंस्क्रिप्शन पाए गए थे? वो है 14 इंस्क्रिप्शन एट 8 प्लेसेस। तो 8 प्लेसेस में 14 इंस्क्रिप्शन पाए गए थे अशोका के शासनकाल में। वेयर इज लोकेटेड द कंधार इंस्क्रिप्शन? तो कांधार जो इंस्क्रिप्शन है, 14 जो इंस्क्रिप्शन है उनमें से कांधार इंस्क्रिप्शन, कांधार इंस्क्रिप्शन तो वो कहाँ पर है? कांधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो कांधार जो इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ पर लोकेट है? कांधार पर। वेयर इज लोकेटेड भबरू इंस्क्रिप्शन? तो भबरू इंस्क्रिप्शन कहाँ पर लोकेट है? बैराट, राजस्थान, राजस्थान में बैराट है, वहाँ पर है भबरू इंस्क्रिप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, हाउ मेनी ईयर्स डिड अशोका रूल अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन? तो कितने ईयर अशोका ने रूल किए थे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के द्वारा? बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से अशोका ने कितने ईयर्स रूल किए थे, कितने ईयर शासन किए थे? वो था 27 ईयर, 27 ईयर्स रूल किए थे मौर्यन एम्पायर को अशोका ने अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। हु वॉज द 10th एंड लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? तो मौर्य डायनेस्टी का दसवां और आखिरी रूलर किसको कहा जाता है? बहुत बृहद्रथा, बृहद्रथा है दसवां और आखिरी रूलर मौर्य डायनेस्टी का। ठीक है फ्रेंड्स, हु डिफीटेड बृहद्रथा एंड मौर्य डायनेस्टी एंड तो किसने बृहद्रथा को पराजित किए थे और मौर्य डायनेस्टी को खत्म किए थे? वो था पशुमित्र शुंगा, पशुमित्र शुंगा जो है वो
विहारदत्त को पराजित किए थे और मौर्य डायनेस्टी को खत्म किए थे। तो फ्रेंड्स आज हम 25 क्वेश्चन किए हिस्ट्री के। तो फ्रेंड्स वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।